वेलकम टू पिके ट्यूटोरियल डॉट कॉम सोटे और टैपिक इज इलेक्ट्रिक टूल बिजली के औजार सो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है हमारे पास प्लायर फ्लास्क आमतौर पर इस्तेमाल होता है बिजली के कामों में तारों को काटने के लिए बैंड के लिए नो स्प्लायर नोक वाला प्लास जो नुकीला होता है तेज नोक होता है इलेक्ट्रिशन के पास अक्सर यही होता है पाइप कटर पाइप काटने वाला जो बिजली के पाइप लगाते हैं वायरिंग में इसको काटने के लिए यूज होता है या कोई भी दूसरी बड़ा केबल वगैरह हो उसको भी काट करते हैं तो इसका मकसद है कटिंग प्रूनिंग शेयर्स या स्कीजर्स कटाई किंची ये बड़ी किंची होती है इससे भी कटिंग होती है अक्सर वायर कटर प्लायर, तार काटने वाला प्लास ये एक स्पेशल प्लाय प्लास होता है आगे छोटा सा और तेज होता है बहुत तो फौरन बड़े केबल को छोटे केबल को काट देता है स्लिप जॉइंट प्लायर्स जॉइंट प्लास इसको कहते हैं इट्स अंडी टूल यूज फॉर होल्डिंग आर बेंडिंग फ्लैट आर राउंड स्टाक ये अक्सर जो बेंड वगैरह कराते हैं किसी चीज़ को बिजली के तारों को या कोई और चीज़ को या इससे जो uh, कोई पेच वगैरह होता है उसको टाइट करने के लिए या लूज करने के लिए नट वगैरह को और कटिंग सॉफ्ट वायर नेल्स कटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है इसका जो दरमियान है वो खुला सा होता है और बड़ा सा होता है बेल पिन या हैमर गेंद पिन हथौड़ा ऊपर गेंद के टाइप का होता है हथौड़ा कील वगैरह को ठोकने के लिए क्ला हैमर पंजा हथौड़ा जिसका पंजा होता है जिससे कील निकाल भी सकते हैं एडजस्टेबल रेंज तरतीब पजीर काबिल तरतीब या साइड रेंज रेंच ही इसको आम बोलते हैं सिंपली रेंच क्योंकि एडजस्ट होता है जो नट होता है या किसी चीज को खोलना cool होता है या टाइट करना होता है तो उसको एडजस्ट किया है उसी के साइज के मुताबिक मल्टीपरप है पाइप रेंच पाइप रेंच इसके साथ पाइप को जो फिटिंग होती है अक्सर प्लम्बिंग की या केबल की वायर केबल की जो पाइप्स uh, वगैरह होते हैं उसकी फिटिंग के लिए या उसको टाइट करने के लिए टी वगैरह या इस तरह बैंड वगैरह लगाने के लिए घुमाने के लिए इस्तेमाल होता है पाइप रेंच ये भी एडजस्ट होता है छोटा बड़ा होता है इसका जो जा है जो मुंह है उसका एलन रेंच या एल की उसको बोलते हैं एल की नॉर्मल एलन रेंच ये भी एल की टाइप का होता है और इससे पेच वगैरह टाइट कहते हैं और लूज करते हैं रेंचेस पाना चाबी ये भी पाने होते हैं लेकिन ये फिक्स होते हैं इसका साइज़ छोटा बड़ा नहीं हो सकता है लेकिन ये बहुत सारे होते एक सेट होता है पूरा इसके साइज़ होते हैं नंबरों में एक दो तीन इस तरह छोटे और बड़े साइज़ होते हैं तो ये फिक्स होता है वो जो रेंच है एडजस्टेबल वो फिर कभी कभार छूट जाता है टिकता नहीं है तो ये बड़ा टाइट होता है क्योंकि ये फिक्स होता है और इससे जल्दी खोल सकते हैं किसी चीज़ को या टाइट कर सकते हैं तो दोनों सिरों से एक जो नट होता है और दूसरा भी गोल टाइप का दोनों पे लगता है पाना इसको बस पाना ही बोलते हैं या चाबी ड्रिल बर्मा या इलेक्ट्रिक ड्रिल ड्रिल भी कहते हैं इसको बिजली वाला सुराखों के लिए इस्तेमाल होता है ग्रेंडर या ग्राइंडर चक्की या इससे भी कटिंग भी होती है और ग्राइंडिंग भी होती है मिन पीसना किसी चीज़ को कट करना इस तरह पाइप होते हैं और दूसरे प्लास्टिक या उसको भी काटते हैं इससे टाइल वगैरह भी काट सकते हैं इससे बहुत सारी चीज़ों की कटाई होती है स्टील भी काटते हैं इसकी जो सीडी टाइप की गोल है ये चेंज होता है मुख्तलिफ हैंड सा आरा या आरी लकड़ी ऊट को कट करने के लिए उड हाथ से हेक्सा वो हैंडसा था और ये हेक्सा हेक्सा दांत काटने वाला तेज दस्ती आरा जिससे लोहा या कोई जो स्टील का पाइप वगैरह होता है उसको काटते हैं इससे हेक्सा तो ये छोटे छोटे इसके जो दंदान होते हैं ये छोटे छोटे होते हैं और दूसरा लकड़ी वाला जो था पहला सा उसके बड़े होते हैं लेवल सत्ता पैमा या इसको लेवल कहते हैं ये साइडों से भी जिस तरह दीवार या पाइप पाइप लगाते हैं या तार वगैरह बिछाते हैं तो उसकी कि ये एक लेवल में है सीधा कि नहीं है तो उसकी पैमाइश के लिए सत्ता पैमा लेवल करते हैं सारा एक जैसा पाइपों की लेवल करते हैं पानी ऊपर नीचे जाने के लिए कि इसका लेवल किस तरफ में है इसी तरह फ्रश की लेवल करना किसी भी चीज की लेवल के लिए इस्तेमाल होता है टेस्टर, इससे हम बरकी तरसील यानी जो बिजली होती है उसकी जांचने के लिए इस्तेमाल होता है और पिचकस भी होता है टाइट भी हो सकता है इससे कि इसमें बिजली है कि नहीं इसके अंदर छोटा सा लाइट होता है तो अगर इसमें बिजली है तो वो रेड हो जाता है ऑन हो जाता है अगर बिजली नहीं है तो ऑफ होता है तो इससे बिजली के तारों को टेस्ट किया जाता है कि इसमें बिजली है कि नहीं है फ्लैट स्क्रू ड्राइवर हमवार सत्ता वाला पेचकस या स्लॉटेड स्क्रू ड्राइवर भी इसको कहते हैं जो सीधा होता है लाइन की तरह कट फ्लैट तो इसको फ्लैट स्क्रू ड्राइवर कहते हैं फिलिप्स या क्रॉसलाट्स स्क्रू ड्राइवर चार सत्व वाली पेचकस या इसको चोरस पेचकस भी कहते हैं चोरस पेचकस की बहुत सारी अकसाम होती है आगे हम इसको देखते हैं टाइप्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर तो इसमें फर्स्ट जो है था, ये लाइन होता है सीधा दूसरा ये जो प्लस की साइन है जो हमने अभी देख लिया क्रॉसलाट तीसरा है ये भी होता है ट सिक्योरिटी मुख्तलिफ हेक्गान मुख्तलिफ़् और इसके नीचे जो है ये पेच है जो इस पर इस्तेमाल होता है इसको लोज और टाइट करने के लिए लेकिन जो मेजॉरिटी यूज होता है तो फर्स्ट टाइप से ये ज्यादातर यूज होता है ये जो स्लॉटेड है और क्रॉस स्लॉट या फिलिप स्क्रूड्राइवर एक चो, चोरस पेज का चीजल चीनी इसको दीवार में पाइप फिटिंग के लिए अक्सर सुराख के लिए इस्तेमाल होता है या नीचे जमीन में कूदने के लिए कोई भी चीज काटने के लिए भी इस्तेमाल होता है चीजल चीनी एम्पेयर मीटर या इसको शार्ट ए मीटर भी कहते हैं एम्पेयर मीटर आ, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर करंट इन ए सर्कट किसी भी सर्कट में यानी एक जो बटन वगैरह का एक बलग तक लगा होता है उसको सर्कट कहते हैं तो उस सर्कट में करंट को मेज़र करने के लिए इस्तेमाल होता है और जो करंट की इकाई है जो बिजली की इकाई है, उसको हम एम्पेयर कहते हैं इसलिए इसका नाम भी एम्पेयर मीटर है ए मीटर या एम्पेयर मीटर फ्रीक्वेंसी मीटर तादुद मीटर ए फ्रिकुवेंसी मीटर इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दी डिस द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियाडिक इलेक्ट्रिक सिग्नल ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है ये थोड़ा सा कम्प्लिकेटेड होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल जो बिजली में सिग्नल होते हैं इन तो उसकी पीरियाडिक फ्रीक्वेंसी हो कि ये ऊपर नीचे कितने स्पीड से जाता है तो उसके जो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है उसको पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल होता है फ्रीक्वेंसी मीटर अक्सर इसमें लिखा होता है यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दो पॉइंट के दरमियान जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक का इसके साथ दो ये एक रेड और ये, एक ये ब्लैक दो लगे होते हैं और इसको दोनों साइडों से कनेक्ट करता है एंड इज कनेक्टेड इन पैरेलल तो उससे वोल्टेज जो होता है उसकी पैमाइश होती है वाट मीटर वाट मीटर इज यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक एक्टिव पावर आर द एवरेज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन वाट्स ये जो इलेक्ट्रिक बिजली होती है एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको वाट में किसी सर्किट में नापने के लिए इस्तेमाल होता है वाट मीटर इन वाट्स लक्स मीटर लक्स मीटर इज दवाई मेजरिंग ब्राइटनेस स्पेशली द इंटेंसिटी विद विच टू ह्यूमन आई एंड इट वर्क बाई यूजिंग अ फोटो सेल्फ टू कैप्चर लाइट ये जो उसका हैंड्सा है गोल ये जब रोशनी होती है बल, बलब की या कोई भी रोशनी तो उसकी पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है लक्स मीटर आमतौर पर ये क्रिकेट में जो वगैरह में उसके तक रोशनी की पैमाइश रोशनी मदम पड़ गई तो उसके लिए ये लक्स मीटर इस्तेमाल होता है जो ब्राइटनेस है उसको चेक करने के लिए क्या रोशनी की मकदार कितनी है ठीक तो लक्स मीटर क्लैम्प मीटर क्लैम्प मीटर इज क्लॉथ स्पिन शेप्ड ये गोल की तरह होता है ओपन होता है और बंद होता है uh, किसी भी टायर तार के अराउंड उसकी जो बिस बिजली होती है तो उसको इस तार को इसके अंदर गोल इसको बंद किया जाता है टू मेजर द करंट इट्स केयरिंग केयरिंग कितना करंट कितनी बिजली इस तार में गुजर रही है, तो उसकी पैमाइश होती है किसी भी तार में अगर उसको बंद इसको ओपन करके इस तार के गोल बंद के दायरा लगा होता है तो उस दायरे में जो तार गुजर रहा है तो उसमें जितनी करंट जितनी बिजली गुजर रही है उसको पैमाइश किया जाता है ठीक है क्लैंप मीटर हीट गन हरारती गन ये तेज गर्म हवा जनरेट करता है जेक हेमर बरकी हथौड़ा, कोई कंक्रीट या फ्रश नीचे तोड़ने के लिए या दीवार में तोड़ने के लिए अक्सर इस्तेमाल होता है सुराह वगैरह के लिए बड़ा पावरफुल होता है लीप मशीन खराद मशीन खराद की मशीन खराद की दुकानें होती है अक्सर तो इसमें कोई भी खरादी जो होते हैं, जो लोहे की बनी चीजें होती है इसमें सुराख या इसको फीलिंग वगैरह इस तरह के कामों के लिए खराद मशीन इस्तेमाल होता है लोन मोर घास काटने वाली मशीन अक्सर इसको लान पड़ा कहते हैं लेकिन ये लान नहीं इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो लोन है लोन मोर घास काटने वाली मशीन जो घास काटते हैं अक्सर चमनों में राउंड सा या सा बरकी आरा और दूसरे जो होते हैं वो हैंड सा या हेक सा हाथ वाला था और ये इलेक्ट्रिक होता है बिजली से चलता है तो इसलिए इसको राउंड सा या चैन सा कहते हैं इलेक्ट्रिक सा भी इसको कहते हैं बर्की आरा सेंडर सेंडर लकड़ी वाला रंदा या सिंपली इसको रंदा भी कहते हैं सत्ता को करच कर या रगड़ कर हमवार करने का बरकी आला या इसको हम मशीनी रेगमाल भी कहते हैं ए पावर टूल यूज फॉर स्मूथिंग ए सरफेस विद सेंट पेपर आर अदर एब्रेस मटेरियल जो रेगमाल होता है वो उसमें डाला जाता है और जिस तरह पेंट किया जाता है दीवारों पर तो दीवार पर उसको जो पालश के लिए यूज होता है रेगमाल डाल कर उसको या किसी लकड़ी को या किसी दूसरी सतह को हम मार करने के लिए या उसको खर्चने के लिए इस्तेमाल होता है तो ये बिजली से चलता है एक हाथ से रग रेगमाल मारना होता है किसी दीवार या किसी सत्ता पर और ये उसका इलेक्ट्रिक होता है उसमें रेगमाल की फीसद डालते हैं टेबल सा मेजी आरा मेज पर लगा हुआ जो आरा होता है बड़े दुकानों में या अक्सर वगैरह जो बनाते हैं दरवाजे या कटिंग होते हैं ओट की लकड़ी की तो उसको टेबल सा कहते हैं फोल्डेड स्क्रूड्राइवर या फोल्डिंग स्क्रू ड्राइवर जो मुख्तलिफ किस्म की छोटा होता है अक्सर बैग में डालता है अक्सर जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं तो इसमें मुख्तलिफ चीजें होती हैं प्लायर होता है कटिंग होता है स्क्रूड्राइवर होते हैं मुख्तलिफ़ों के ठीक है तो फोल्डिंग होता है पूरा बंद हो जाता है ये स्क्रू स्क्रूड्राइवर बिट्स ड्राइवर के बिट्स या जो दांत होते हैं ये एक मल्टीपल होता है एक हैंड होता है उसका और उसमें चेंज होता जाता है एक सेट होता है पूरा तो इसको स्क्रू ड्राइवर बीट्स कहते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो स्क्रू ड्राइवर हैं वो सारे अवेलेबल होते हैं उसमें हैंड ड्रिल हाथ वाला ड्रिल एक इलेक्ट्रिक ड्रिल था जो हमने पढ़ा बर्क वाला इलेक्ट्रिसिटी पर जो चलता है और ये एक हाथ वाला इसको घुमा कर इसमें सुराख किया जा सकता है किसी भी चीज में दवार में या लकड़ी वगैरह में ड्रिल बिट्स ड्रिल के बिट्स या दांत जो इलेक्ट्रिक बिल्ट होता है उसमें दांत छोटा कितना सुराख करना है छोटा या बड़ा जितने उसी मेदार के जो रिक्वायर्ड होता है उसका जो बिट्स होता है वो चेंज किया जाता है नेल, कील या मेख स्क्रू पेच इलेक्ट्रिकल टेप या बर्की ट्रेप बर्की टेप इसको कहते हैं जो बिजली के तारों पर या जॉइंटों पर लगाता है और फिर इससे किसी को करंट नहीं लगता ओके थैंक्स गाय फॉर लिसनिंग डोंट फॉर गेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर द वीडियो ओके थैंक यू बाय बाय